हेलो फ्रेंड्स, मेरे जेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के कुछ वन लाइनर जीके देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर है, तो सारे जो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमारे अजीत जोगी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, कहने का मतलब यही है जो हमारे जो छत्तीसगढ़ बना, कब बना, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद जस्ट जो हमारे नए मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया था, जिसको याद रखिए, इनकी उम्र मूवी बन रही है छत्तीसगढ़ ही में, द जोगी करके उनके ऊपर मूवी बन रही है, फिल्म का नाम है द जोगी। और इसमें जो उनका बचपन का जो रोल कर रहे हैं आपके जो गायक थे आपके, क्या सहदेव बोलते हैं, वही आपके उनके बचपन का रोल कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या सहदेव करके एक सिंगर है, वही इसका बचपन का रोल कर रहे हैं, जिसको याद रखें, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजीत जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय मुख्यमंत्री तो सभी जानते हों, भूपेश बघेल हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो दिनेश नंदन सहाय हमारे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे, इसको DN सहाय भी कहते हैं ऐसे करके। तो इसको याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, DN सहाय, ये आपके CGPSC क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसको राय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ दिन हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल चेंज हुआ है, जिसका नाम है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इसके पहले कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के थे, इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के इससे पहले राज्यपाल थे। इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कौन थे राज्यपाल, तो अनसुईया उइके इससे पहले यहाँ पे राज्यपाल थे। अब इनको मणिपुर के लिए राज्यपाल इनको बना दिया गया, तो मणिपुर के लिए इनको राज्यपाल बनाया है अनसुईया को। विश्वभूषण हरिचंदन को हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है राज्यपाल। कौन से क्रम के जो हमारे विश्वभूषण जो हरिचंदन है हमारे छत्तीसगढ़ के, कौन से क्रम के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा, 9th क्रम के राज्यपाल हैं, जिसको याद रखिएगा। लगभग 13 राज्य के, अभी 13 से 14 राज्य के भी यहाँ पे राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरी सलाह यही है, जो तीनों राज्यपाल हैं उसको चेंज हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वहाँ से 1 से 2 नंबर आपका पक्का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है, तो आपका सबरी नदी, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जो राजकीय जल मार्ग है कौन से नदी पर है, तो सबरी नदी पर, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं सबरी नदी के यहाँ पे बात करूँ, तो इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, तो आपके कोरापुट जो क्षेत्र है उड़ीसा, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, सबरी नदी का विसर्जन इसके आंध्र प्रदेश के, यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो राज्य है यहाँ के कुनावरम के जो समीप जो गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है सबरी नदी की। लगभग इसकी लंबाई देखें तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे ये बहती, तो बस्तर और सुकमा ये क्षेत्र में इसका प्रवाह मतलब यहाँ पे बहती है, तो इसको याद रखिए। सहायक नदी से कौन कौन से हैं, तो आपके कांगेर, मालकेर जो इसके सहायक नदी है, तो उसको याद रखिएगा। कांगेर की सहायक नदी आपकी मुनगा बहार है, तो इसको याद रखिएगा। मुनगा जो नदी है इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात बना है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात बना है, तो इसको भी याद रखिए। आपके सबसे छत्तीसगढ़ को ऊंचा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है तीरथगढ़ को, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मिनी माथा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके किस पे बना है, तो महानदी पर, इसको याद रखें। मिनी माथा परियोजना आपके महानदी पर स्थित है, तो महानदी, इसको हसदेव बांगो भी कहा जाता है, मिनी माथा परियोजना भी कहा जाता है, उनके नाम पे मिनी माथा के नाम पर बना है। ये आपके कहाँ पे स्थित है,
तो आपके कोरबा में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ, स्थापना इसका 1976, तो 1967 में आपके छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है, इसकी स्थापना 1967 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। आपके हसदेव नदी पे इसको बनाया गया था, इसको याद रखिए। लगभग की ऊंचाई की देखें तो 87 मीटर इसके ऊंचाई है, और इसके सिंचाई क्षमता देखें तो 420,580 यहाँ पे हेक्टेयर में जो इसकी मतलब सिंचाई क्षमता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें 950 जो गांव है इसमें मतलब इसका लाभ उठाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर यहाँ पे जल विद्युत परियोजना भी बना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बांगो छत्तीसगढ़ किस जिले में, तो मैंने बताया जस्ट अभी कोरबा जिला, स्थापना 1967 में किया गया है, बात तो बता ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का जो सर्वप्रमुख प्रमुख जो साधन है, यहाँ पे जो सिंचाई के लिए जो व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में मेन साधन कौन सा है, तो नहर के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में जो कृषि हम यहाँ पे करते हैं, इसके माध्यम से हम खेती यहाँ पे करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बांध जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है, तो हाँ सबसे जो पुराना जो बांध आपका रुद्री है, इसको याद रखिए। ये आपके कहाँ पे है, तो धमतरी जिले में, इसको याद रखिएगा। और स्थापना की बात करूँ 1912 से आपके 1915, तो 1912 से 1915 में धमतरी में रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, कहाँ पर बनाएगा, तो धमतरी में बनाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई परियोजना महानदी परियोजना कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, आप कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके महासमुंद में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1924 से 1930 तक इसको जो इसको राजीव गांधी परियोजना भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 1924-30 में इसको बनाया गया है, आपके मनियारी नदी पर आपके स्थित है, जिसमें आपका लोअर में मुंगेली जिला इसके अंतर्गत आती है। ये आपको 11,515 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई क्षमता है, तो इसको याद रखिएगा। लगभग 100 से ऊपर यहाँ पे बिलासपुर जिले इसमें सिंचित जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अमृत धारा जलप्रपात ये आपको कौन से जिले में स्थित है, तो आपके कोरिया हसदो नदी, कहने का मतलब है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके कोरिया जिला में अमृत धारा जलप्रपात जो है आपके कौन से नदी पर बना है, तो इसको हसदो नदी या हसदेव नदी पर बना है, तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कोरिया में और कौन कौन से जलप्रपात है, तो आपके अकुरी नाला सुने होंगे, तो अकुरी नाला जलप्रपात, और आपका गावार घाट भी सुने होंगे, और आपका रामदा जलप्रपात भी यहाँ पे जो कि बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। सभी आपके कोरिया के हैं, और यहाँ पे जो अकुरी नाला जो जलप्रपात है उसको कोरिया का एयर कंडीशनर भी इसको कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पीएससी में, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो आपके बलरामपुर सूरजपुर कोरिया जिले, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्क रेखा आपके बलरामपुर सूरजपुर और कोरिया इन तीनों से होकर गुजरती, सबसे पास कौन सी, तो बैकुंठपुर जो सुने होंगे ये आपके सबसे निकट इसके पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ था, तो ये आपके 3 अगस्त 2000 डेट को याद रखिएगा। तो 3 अगस्त 2000 में छत्तीसगढ़ गठन संबंधी जो आपके विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा 3 अगस्त 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इस गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का छत्तीसगढ़ गठन इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, इसको याद रखें। पंचवर्षीय पूछे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपका हुआ था, इसको याद रखें। 1997 से 2000 के बीच ये आपके राज्य का निर्माण किया गया था, और फिर 1 नवंबर 2000 स्थापना किया गया था। ये आपका छत्तीसगढ़ जो है आपका देश का 26वां राज्य है, तो इसको याद रखें। उसी समय आपको उत्तराखंड झारखंड तेलंगाना वाला
सभी लाइन टू लाइन यहाँ पे बने हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ये लागू की थी, मैंने जस्ट बताया, 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत यहाँ पे अलग किया गया था 9वीं पंचवर्षीय, इसको याद रखिएगा। 1 नवंबर सन 2000 की स्थापना किया गया था। 26वां राज्य है देश में, मतलब देश में, तो इसको याद रखिए इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया था, इसको प्रस्तुत किया था आपके 25 जुलाई 2000, इसको याद रखिएगा। 25 जुलाई सन 2000 में, 25 जुलाई सन 2000 में छत्तीसगढ़ जो गठन जो संबंधी जो विधेयक यहाँ पे लोकसभा में 25 जुलाई को यहाँ पे सन 2000 में ये आपका विधेयक जो है आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 25 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि लोकसभा में जो 25 जुलाई सन 2000 विधेयक प्रस्तुत किया था श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, फिर 25 के बाद सीधा 31 जुलाई 2000 में यहाँ पे विधेयक पारित हो गया था, तो इसको याद रखिए। अगर राज्य समय पूछे, अगर राज्य में अगर पूछे तो 3 अगस्त सन 2000 में विधेयक प्रस्तुत किया था, फिर इसको 9 अगस्त को यहाँ पे सन 2000 में विधेयक पारित किया गया था, इसको याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछें, और राष्ट्रपति आपका 28 अगस्त 2000 को के आर नारायण, उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे, तो के आर नारायण के इन्होंने 28 अगस्त सन 2000 को यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर किए थे, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है तो उसको रिवाइज भी कीजिए। तो चलिए कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।